वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। यह मंदिर समुद्री तट से 800 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और उनके नरसिंह रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार का निवास स्थल है। पुराणों या कथा कहानियों के आधार पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु का यह मंदिर उनके भक्त प्रहलाद द्वारा बनवाया गया था। भगवान विष्णु के नरसिंह रूप में प्रहलाद के पिता के संहार के पश्चात बनवाया गया था, परंतु सही देखरेख न होने के कारण कहा जाता है कि यह मंदिर धरती में समा गई। लूनार वंश के पुरुरव के खोज के बाद मंदिर की पुनः स्थापना की गई। इस मंदिर के लेख को लेकर कई रोचक बातें इस प्रकार हैं, जैसे अक्षय तृतीया के दिन यहाँ श्री लक्ष्मी सिंह की मूर्ति को चंदन के रूप में अलंकृत किया जाता है और हजारों लाखों के तादाद में लोग इस रूप के दर्शन पाने के लिए आते हैं। दूसरी बात यह है कि वराह लक्ष्मी के रूप में 11वीं शताब्दी में बनी सबसे बड़ी और सबसे सुंदर मंदिर है। मंदिर के अंदर 3 आंगन हैं और 5 द्वार हैं और मंदिर बाहर से देखने पर एक किले नुमा लगता है। पुरुषोत्तम संहिता और विष्णु संहिता के अनुसार मंदिर का मुख्य पश्चिम की ओर है। मंदिर के अंदर दीवारों पर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी के चित्र बने हैं। द्वार पर पैरों के निशान हैं। मंदिर के गर्भागृह में प्रहलाद की उपस्थिति में हिरण्यकश्यप को मारते हुए नरसिंह मूर्ति है। पूरा मंदिर हीरे मणिक जवाहरात और सोने से बना है। भगवान विष्णु से ही जुड़ा एक और यादगारी गुट्टा मंदिर भी है। यादगारी गुट्टा में भगवान विष्णु के 5 अवतार को बताया गया है, जैसे ज्वालान नरसिंहम, श्री योगानंद नरसिंहम, श्री गंडभरुंडा नरसिंहम, श्री उग्र नरसिंहम, श्री लक्ष्मी नारायण नरसिंहम। भगवान विष्णु इस धरती पर कई अलग अलग अवतार लेकर आए थे, जिनमें नरसिंह अवतार स्वामी का रूप भी एक है। कहा जाता है यह उनका चौथा अवतार था, जिसमें वे आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट करते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप एक बहुत ही उद्दंडी राक्षस कुल के राजा थे। उनका पुत्र प्रहलाद बहुत ही विष्णु भक्त और भगवान भक्त था, जिसे वे कतई पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कई चेष्टा की कि वह ईश्वर भक्ति से दूर रहे, परंतु उनकी चेष्टा निष्फल हो गई, वे कुछ नहीं कर पाए। कहा जाता है भक्त प्रहलाद का जन्म उनके घर इसलिए हुआ कि उनकी दानवीय शक्ति और उनके घमंड का अंत हो। एक बार प्रहलाद विष्णु का जाप कर रहे थे, उस समय वहां से हिरण्यकश्यप गुजरे। उन्होंने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति में लीन देखा तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कहां है तुम्हारा विष्णु? तब प्रहलाद ने अत्यंत शांति से कहा, भगवान तो कण कण में है, जहां देखें वहां विष्णु है। आपके आगे पीछे दाएं बाएं इस खंबे में चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर है, आप कहां उनके दर्शन करना चाहते हैं? एक बार प्रहलाद विष्णु का जाप कर रहे थे, उस समय वहां से हिरण्यकश्यप गुजरे। उन्होंने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति में लीन देखा तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहां है तुम्हारा विष्णु? तब प्रहलाद ने अत्यंत शांति से कहा, भगवान तो कण कण में है, जहां देखें वहां विष्णु है। आपके आगे पीछे दाएं बाएं इस खंबे में चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर है, आप कहां उनके दर्शन करना चाहते हैं? हिरण्यकश्यप ने जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख बालक, इस खंबे में कभी भगवान हो सकते हैं? प्रहलाद ने सर झुकाकर कहा, हाँ पिताजी, आप चाहे तो स्वयं देख लीजिए। अपने अहंकार में चूर होकर हिरण्यकश्यप ने जोर से खंबे पर लात मारा। खंबा वहीं टूट गया और उसमें से प्रकट हुए स्वामी नरसिंह, जिनका आधा रूप मानव था, आधा रूप सिंह का था।
नरसिम्ह स्वामी उसी रूप में बाहर आते हैं और सूर्यास्त के पहले हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों में रखकर नाखून से उसकी छाती को चीरकर मार डालते हैं। अतः यादगिरी गुट्टा में उसी रूप में यानी कि नरसिम्ह स्वामी के रूप में उनको पूजा जाता है। अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को, जैसे ही कुछ खबर मिलती है आपसे झट रूबरू हो जाऊंगी। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना भी सिखाएं।